एंजॉय करा। गाने कैसे क्या थे फिल्म के अंदर? गाने में आता है ये अपना अर्जुन रामपाल के, इनके अर्जुन रामपाल के गाने थे। और आप मेरे को बताइए, मतलब कि फिल्म में करना आपको मतलब एक्शन क्यों नहीं अच्छा लगा, जबकि फिल्म में करना गाड़ियाँ भी उचकती है सब कुछ, आप फिल्म में करना देखने क्या गए थे? कटरीना कैफ को देखे ही नहीं मैंने तो। देखे नहीं तो क्या सोने का थे? वैसे तो आप पुलिस के बारे में बहुत कुछ उल्टा सुनते हैं, लेकिन जो अच्छे पुलिस वाले जो अच्छे देशभक्ति काम करते हैं, मूवी को देखो जरा उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए हैं और अच्छे करने वाले लोग हैं उसमें। किसका डांस कैसा लगा आपको ये बताइए? कैटरीना कैफ का डांस तो वैसे भी बहुत अच्छा ही लगता है सभी को। कैटरीना कैफ कैसी लगती है? वो भी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी क्यों लगती है? अच्छी इसलिए, मॉडल है और पतली है, स्मार्ट भी दिखती है। हर लड़की पतली होती है तो मतलब हर लड़की स्मार्ट होती है वैसे तो। लेकिन मूवी आपको ऑसम, एकदम बेहतरीन बेहतरीन मूवी के अंदर क्या अच्छा लगा आपको? मूवी के अंदर मुझे अक्षय कुमार और इनकी सभी की एंट्रियाँ बहुत अच्छी लगी, और मतलब ऑसम मूवी थी, एक नंबर, मतलब सबसे फाड़ू मूवी थी ये। अच्छा, इस फिल्म को एक्शन के लिए जाना जा रहा तो हाँ। आप इस एक्शन से मतलब आपको लगा है कि फिल्म का एक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सबसे अच्छा एक्शन किसके लगा, अक्षय कुमार, अजय देवगन या फिर रणवीर सिंह? इस मूवी में सभी का एक्शन अच्छा है, लेकिन जो अक्षय कुमार का एक्शन है वो बहुत ही अलग है। बहुत ही एक अच्छा फैन किसके हैं सबसे बड़े, अजय देवगन, अक्षय कुमार या रणवीर सिंह के फैन? मैं दोनों का फैन हूँ, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन। अजय देवगन इस फिल्म में जो अजय देवगन की एंट्री होती है, हाँ। आपको क्या लगता है कि बहुत धासु सबसे हटके इस बार एंट्री नहीं करी है? हाँ, सबसे अलग सिंगम वाली, हाँ, एकदम सिंगम से भी मतलब उससे भी बेस्ट है, नेक्स्ट लेवल की एंट्री, हाँ, करी सबसे है नेक्स्ट। और रणवीर सिंह इस फिल्म में कहीं पर कॉमेडी करते हैं क्या? हाँ, करते हैं ना। तो उनकी मतलब क्या लगता है आपको कि यह फिल्म मतलब ऑडियंस को देखने जाना चाहिए कि नहीं, पैसा वसूल है कि नहीं? बहुत जाना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, और बहुत अच्छी मूवी है, मतलब बहुत अलग ही लेवल पे, ऑसम। अच्छा, मेरे कहने का ये मतलब है कि जहाँ पर कटरीना कैफ और अक्षय कुमार 12 साल के बाद में अब आपको नजर आ रहे हैं, हाँ, एक साथ में, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि दोनों की बाउंडिंग बहुत सही साथ बैठी है, जोड़ी कैसी लगती है? बहुत अच्छी जोड़ी लगती है और एक नंबर जोड़ी लगती है। अच्छा, फिल्म के डायलॉग्स कैसे थे, दमदार लगे? अच्छे लगे, एक नंबर। और फिल्म के ना आपको क्या लगता है कि कहीं फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा है कि सेकेंड हाफ ज़्यादा अच्छा है? फर्स्ट, सेकेंड हाफ तो सबसे बेस्ट है। जो लास्ट लेवल का है उसमें तो बहुत ही अच्छा है। फिल्म में ऐसा क्या खास लगा जो आप ऑडियंस को सजेस्ट करेंगे कि आप थिएटर में आके देखें? जो अजय देवगन की जो एंट्री है वो, और मतलब अक्षय कुमार की एंट्री, और जहाँ पे वो टेररिस्ट को मारने जाते हैं वो सबसे पुलिस की फौज लेके एक साथ, तो वो सबसे बेस्ट लगा मेरे को, वो सबसे बेस्ट लगा आपको। और इस फिल्म के अंदर आपको और ऐसा क्या लगा, जैसे कि इस फिल्म के जो गाने हैं, आपको कहीं पर ऐसा तो नहीं लगा कि फिल्म मतलब आपको कहीं पर भी लेके जा रही है, कहीं से भी गाने स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर एक बाउंडिंग बना के, एक सिचुएशन बना के गाने को स्टार्ट करा जाता है? हाँ, एक सिचुएशन मतलब अच्छे लेवल पर, मतलब सिचुएशन के हिसाब से गाने भी फिक्स किए हैं सब, मतलब सब एक नंबर, मतलब अच्छे लेवल पे किया है जो। हाँ, फिल्म आपको कहीं पे बोर तो नहीं करती है? नहीं नहीं सर, एक नंबर मूवी है, कोई बोरिंग मूवी नहीं है, मतलब बहुत अच्छी मूवी है, आप खुश हो जाओगे अगर थिएटर में से निकलोगे ना देख के, तो बहुत ज़्यादा खुश होगे। इस फिल्म में करना हमने सुना है कि जो एक्शन सीन्स है उसके ना कार काफ़ी ज़्यादा उड़ती है, तो अक्षय कुमार सर ने भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं कार उड़ाई है या फिर बाइक स्टंट कुछ करें, सब कुछ देखने के लिए मिला? हाँ, मिला ना, वो बाइक पे चल के जो हेलीकॉप्टर के ऊपर जो लटकते हैं, हाँ, वो सीन सबसे बेस्ट है। हाँ, वो तो अक्षय कुमार की आपको पुरानी फिल्मों में भी देखने, हाँ, के लिए पुरानी फिल्मों में। मतलब इस फिल्म में ना कुछ उन्होंने यूनिक करने की कोशिश करी, हाँ, है। यूनिक। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ऑडियंस इस फिल्म को देखने आएगी जिस तरीके से फिल्म को बनाया गया है? हाँ, आएगी ना, जरूर आएगी। आपका क्या कहना है ऑडियंस से कि इस फिल्म को एक वर्ड में बताइए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इसमें सबसे बेस्ट तो आपको एक तीन लेवल मिलेंगे मतलब देखने के लिए, जैसे सिम्बा मूवी हुई, सिंगम मूवी हुई, और सूर्यवंशम में, सिंगम में आपको अजय देवगन की एंट्री देखने को मिली थी, सिम्बा में रणवीर सिंह की देखने को मिली थी, इसमें आपको मतलब अक्षय कुमार की एंट्री देखने को मिलेगी, और वो भी सब अलग ही लेवल पे, सभी मूवी से सब अपने अपने लेवल पे बहुत तगड़ा काम, हाँ, करते सब हैं। और जो इस मूवी के साइड कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अपने ये जेकी श्राफ सर हो गए, हाँ, तो वो आपको विलन के रूप में कैसा नजर आया? अरे बहुत, वो तो सर शुरू से ही अच्छे दमदार एक्टिंग, हाँ, करते हैं, और उनके मतलब एक्टिंग करना आपको कहीं ना कहीं लगा कि उनकी आवाज में दम है, उनके डायलॉग्स में दम है, डायलॉग्स में दम है उनके। और इस फिल्म के अंदर कोई ऐसा पॉइंट दिया गया हो जो हमको समझना चाहिए, या फिर हम अपने देश के लिए, क्योंकि अक्षय कुमार की हर एक फिल्म में करना कुछ ना कुछ पॉइंट होता है कि अपने को ये काम नहीं करना चाहिए, ये एंटी टेररिज्म को रोकने के लिए ये मूवी को, मतलब जो हमारे ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, तो उन पे ये बनाया है, मुंबई एंटी टेररिज्म को रोकने के लिए, हाँ। स्पोर्ट्स,
तो आप इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे? फाइव स्टार देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत औसम मूवी है, बहुत अलग ही लेवल पे मूवी, मतलब सूर्यवंशी आपको काफी अच्छी लगी? काफी अच्छी लगी। आपको मूवी कैसी लगी? बहुत मस्त लगी मूवी। मूवी के नाम आपको खास क्या लगा? खास एक्शन अक्षय कुमार का मेरे को बहुत अच्छा लगा, बाकी रणवीर कपूर का तो वही पुराना और अजय देवगन का भी वही पुराना, बस अच्छा। मेरे को अक्षय कुमार का वो स्टैंड अच्छा लगा जो बाइक से एरोप्लेन जो उड़ता है वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा। पकड़ते हैं वो तो सबको मालूम है कि रोहित शेट्टी की फिल्म है तो जब तक कार उड़े नहीं जब तक मजा नहीं आता फिल्म में। तो आपको क्या लगता है कि फिल्म आपको फर्स्ट हाफ में ज़्यादा अच्छी लगती है कि सेकंड हाफ में ज़्यादा अच्छी लगती है? स्टार्ट में अक्षय कुमार की जो एंट्री रहती है वहाँ से मूवी देखने की चाह बढ़ जाती है, बस बनने लग जाता फिल्म का। और एक मतलब आपको फिल्म के अंदर जो गाने थे वो आपको कैसे लगे, कहीं पे बोर तो नहीं करते हैं या फिर कहीं से भी घुसा दिए जाते हैं? गाने तो बहुत मस्त है, टाइमिंग सब एक साथ टाइमिंग अच्छी थी, वैसे तो गाने भी अच्छे थे, ठीक थे गाने तो। और फिल्म के अंदर आप क्या कहना चाहोगे, कॉमेडी थी कहीं ना कहीं? जैसे अक्षय कुमार है तो कॉमेडी तो रहेगी रहेगी। हाँ, रणवीर कपूर ने भी कॉमेडी करी है और अक्षय कुमार ने भी अच्छी कॉमेडी करी वैसे तो। हाँ, ज्यादा कॉमेडी नहीं बाकी है, बाकी एक्शन अच्छा है उनका। अच्छा, मूवी देखने लायक है। आपको क्या लगता है मतलब कि रोहित शेट्टी की डायरेक्शन कैसी रही इस फिल्म के अंदर, जिस तरीके से फिल्म के अंदर एक्शन ड्रामा कॉमेडी सब मिला के करा गया, तो ये फिल्म जो है वो तीनों पार्टों को मतलब जोड़ती है कहीं ना कहीं? हाँ, जोड़ती है ना, सूर्यवंशी सिंगम और सिंबा। अच्छी है वैसे तो मूवी, मूवी आपको अच्छी लगी। और आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में कि आपको क्या लगता है कि कटरीना कैफ जहाँ पर अक्षय कुमार सर के साथ में अब 12 साल के बाद नजर आ रही है तो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी लगती है? अच्छी है। कटरीना की फिल्म कैसी लगी? ऑसम, एकदम झकास मूवी। फिल्म में क्या अच्छा लगा आपको? एक्शन बाजी से भरपूर मूवी है, बहुत मजा आया देखने में। अच्छा, अक्षय कुमार सर की एंट्री कैसी लगी? एकदम धांसू फाड़ू सीन। मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि फिल्म को ऑडियंस को देखने आना चाहिए? मेरा सबसे जो एक्शन ज़्यादा पसंद करते हैं मूवी में एक्चुअली जो देखना चाहते हैं कि यार कोई एक्शन मूवी आई है, साल में एक बार तो आती है, वैसे तो हमेशा वो कॉमेडी और थोड़े बहुत ड्रामा मूवी लेके आते हैं, इस बार एक्शन से कुछ ज़्यादा ही भरपूर मूवी है, एंट्रीज वगैरह काफ़ी धांसू है फाड़ू है, तो जिनको एक्शन ज़्यादा पसंद है उनको जरूर आना चाहिए। अच्छा, रणवीर सिंह की थोड़ी बहुत कॉमेडी रहती है इस फिल्म में? हाँ, मूवी में थोड़ा बहुत तो चटपटापन होना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉमेडी भी होना चाहिए, तभी तो थोड़ा मज़ा आता है देखने में। तो रणवीर सिंह ने थोड़ा बहुत बखूबी निभाया है मूवी के अंदर, तो हाँ थोड़ा बहुत उनका लगता है कि हाँ वो अच्छा मतलब कॉमेडी अच्छी की है फिर भी उन्होंने। और अजय देवगन की एंट्री कैसी कह रही है? वैसे तो हमेशा हर मूवी में अजय देवगन को हमने देखा है कि एंट्री तो बाबा माशाल्लाह होती है, इसमें भी जैसे कि सिंगम वगैरह जो भी उन्होंने की है वो मूवी उनमें भी उनकी अच्छी एंट्री होती है और इसमें भी अच्छी है। अच्छा, सिंगम सिम्बा इन दोनों से अच्छी फिल्म है या फिर कंपैरिजन में सही साइड है? एक्चुअली क्या है, मैं एक्शन मूवी ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसे कि अभी मैंने पिछली बार मूवी देखी थी अपने विद्युत जामवाल की मूवी देखी है, धांसू मूवी है, अगर किसी को देखना है एक्शन के बारे में जूडो कराटो कमांडो में देखना हो तो उस मूवी को देख लो, उसके बाद अगर आपको ऐसे कि जो होता है कि ऊँचे लेवल पे देखना है आपको जितने भी ज़्यादा एक्शन वगैरह मूवी में देखना है हॉलीवुड जैसे, आप सूर्यवंशी देखो बहुत मस्त है, मेरे को देखने में ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं एक्शन का ज़्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, तो इस फिल्म में आपको क्या लगता है कि कटरीना कैफ 11 साल के बाद में अक्षय कुमार सर के, अब तो 12 साल हो गए, 12 साल के बाद में अक्षय सर के साथ में नज़र आ रही है तो दोनों की बाउंडिंग जोड़ी अच्छी लगती है? वैसे मैंने नमस्ते लंदन भी देखी है उनकी और उसके पहले एक दो मूवी और की है उन्होंने, पटियाला हाउस वगैरह जो भी है, शायद पटियाला हाउस में नहीं भी हो तो कोई बात नहीं पर उनकी मूवी है सिंगम वगैरह, नहीं वो क्या बोल सिंग इज किंग सिंग इज बिलिंग जैसे की मूवी है बहुत सारी की है उन्होंने, तो उसमें दोनों की जोड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती है। तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के अंदर अजय देवगन रणवीर सिंह और अक्षय कुमार के चलते ऑडियंस इस फिल्म को देखने आएगी? देखो यार, बॉलीवुड का सबसे अच्छे मस्त हीरो है पूरे, जो ज़्यादा लोग फैन जिनके हैं अक्षय कुमार रणवीर सिंह और अजय देवगन सर, बुखो भी बहुत अच्छे स्टार है, मेगा स्टार मैं बोलना चाहूँगा, तो ज़्यादातर जैसे कि बात हो रही है कि इसको देखने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लोगों के दिल में आग लगी हुई पे एक साल से इंतजार है मूवी का, दो साल खुद कर रहा, हाँ वैसे चलो दो साल हो गए कोई बात नहीं पर मैं पूरे दो साल से मैं खुद ही इंतजार कर रहा था, एक बार मैंने मूवी का वो ज़्यादा इंतजार किया था उसको बोलते हैं बाहुबली 2, वैसी ये मूवी है और बहुत आगे जाएगी मूवी। अच्छा, फिल्म का फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा लगता है कि सेकेंड हाफ ज़्यादा अच्छा लगता है? अक्षय कुमार की बात होती है फर्स्ट हाफ में इसलिए मेरे को सबसे बढ़िया फर्स्ट हाफ लगता है, सेकेंड टाइम थोड़ा सा इतना वो दम नहीं लगता मेरे को, फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, सेकेंड हाफ में दम क्यों नहीं लगता है? थोड़ी बहुत केमिस्ट्री है उसमें, लव स्टोरी है थोड़ी बहुत डाल रखी है और
फर्स्ट हाफ ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। सेकंड हाफ के अंदर आपको एक्शन ज़्यादा देखने के लिए मिला ना, आप तो एक्शन के फैन है, तो फिर सेकंड हाफ में एक्शन ज़्यादा होना चाहिए ना। सेकेंड हाफ में भी ठीक है, लेकिन थर्ड हाफ भी अच्छा है उसका। लास्ट में और ज़्यादा एक्शन चाहिए तो लास्ट में चले जाओ, बीच में इतना मेरे को थोड़ा क्योंकि घुमा फिरा के खोजबीन करना टेरेस के बारे में। अच्छा, फिल्म कहीं पे बोर करती है? नहीं, मूवी कहीं पे भी बोर नहीं करती है। फिल्म का बैकग्राउंड सॉन्ग? बैकग्राउंड सॉन्ग भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि जहाँ पर सिम्बा सिंगम और जो सूर्यवंशी है, इन तीनों में कोई कनेक्शन जो हर फिल्म में आपको एक जैसा देखने के लिए मिला हो? कनेक्शन एक ही चीज़ है, पुलिस है, जो कुछ भी है पुलिस के बारे में। अच्छा। है कि अपनी पुलिस जो ज़्यादातर जो काम करती है उस हिसाब से ही करती है। अगर किसी को देखना है कि पुलिस एक्चुअली करती क्या है, वैसे तो आप पुलिस के बारे में बहुत कुछ उल्टा सुनते हैं, लेकिन जो अच्छे पुलिस वाले जो अच्छे देशभक्ति काम करते हैं, मूवी को देखो ज़रा उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए हैं और अच्छे करने वाले लोग हैं उसमें। अच्छा, इस फिल्म के अंदर कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे कि अक्षय कुमार की हर फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन रहती है, इस फिल्म के अंदर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली क्या? मिली मुझे तो यार, क्योंकि अब मूवी जो है एक पुलिस वालों के ऊपर बनाई गई है, पुलिस वालों के क्या सच्ची घटनाएं हैं जो भी बनाते हैं मूवी वगैरह, उसमें इंस्पिरेशन इससे यही मिलता है भैया कि जो अपना काम है दिल लगा के करना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में आप जो भी फील्ड है उस पर अच्छे से मन लगा के काम करना चाहिए और दिल से करना चाहिए।